कुछ दिन पहले यूपी में योगी सरकार ने 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया था। हालांकि इस निर्णय से सभी लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार भी योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल बड़े चेहरे अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी सरकार की किकरी हो रही है। ऐसे में योगी सरकार में भी पिछड़ी जाति को लुभाने के लिए उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की इस फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, परंतु योगी सरकार अपने निर्णय पर अड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए योगी सरकार के फैसले पर केंद्र ने अपनी टांग अड़ाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। केंद्र की दलील को दरकिनार करते हुए योगी सरकार ने फरमान जारी कर कहा है कि 17 ओबीसी जातियों को एससी का सर्टिफिकेट देना जारी रहे। साफ तौर पर योगी सरकार अपनी ही मनमानी करने में लगी है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट देना जारी रखा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सांसद में कहा कि किसी वर्ग की किसी जाति को अन्य वर्ग में डालने का अधिकार सिर्फ संसद का है। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने मंगलवार यानी 2 जुलाई 2019 को संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए इसे पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक करार दिया था। इसके बाद गहलोत ने इस पर सहमति जताई थी। गहलोत ने राज्य सरकार के इस शासन देश को वापस लेने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि किसी वर्ग या फिर किसी जाति को अन्य वर्ग में डालने का अधिकार सिर्फ संसद का है। योगी सरकार संसद के खिलाफ जा रहे हैं, यह बात तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसके बाद सवाल खड़े हुए हैं कि अब इन जातियों को ऐसे सर्टिफिकेट बनेंगे या नहीं। इस असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए समाज कल्याण के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने साफ किया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी किया गया है और इसके आधार पर सर्टिफिकेट बनते रहेंगे। दूसरी ओर इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सरकारी मुहिम को कांग्रेस ने समर्थन किया है। जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार को कई फैसलों का विरोध करती नजर आई है, अब वह कांग्रेस योगी सरकार के इस फैसले पर सहमति जता रही है। अनुसूचित जाति विभाग के सचिव एसपी सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन भगवत प्रसाद चौधरी ने कहा है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों के रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाकर 40% किया जाना चाहिए। निषाद बिन मल्ला, केवट कश्यप, भर धीवर, बातम मथुआ, प्रजापति, राजभर कहार, पोतर मांझी, धीमर तुरा और गोड़िया, कुल मिलाकर 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का ऐलान किया है। योगी सरकार को इस फैसले का विरोध कर रही केंद्र सरकार को किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु ये साफ है कि योगी सरकार के इस बड़े फैसले से बीजेपी पार्टी में दरार जरूर आ सकती है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।